सतनाम सतनाम सतनाम। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। परम सत्कारयो गुरु साध संगत जी, मालिक की कृपा दे नाल धन धन गुरु रविदास महाराज जी दे आगमन गुरपुरब नूं मुख रखदिया होया, गुरु रविदास साधु संपर्दा सोसायटी रजिस्टर पंजाब वालों जो हर साल बहुत बड़ा उपराला किया जाता है, जो देश और विदेश दीआं संगतां एकत्रित हो के धन धन गुरु रविदास महाराज जी का आगमन गुरपुरब मनाउंदियां, सब तो अखीर विच अप्रैल दे पहले हफ्ते जो महापुरशां ने गुरु रविदास महापुरशां दे जितने भी महान महापुरश आ उन्हां वल्लों हरिद्वार विखे जाके लंगर लगाए जांदे आ, तो इस बार भी जिस तरह हर साल किया जाता, तो मालिक की कृपा दे नाल जो ये इतिहासक दमड़ी शोभा यात्रा इस साल भी मालिक की कृपा दे नाल सारे महापुरशां दी और संगत की सहमति दे नाल और संगतां दे सहयोग दे नाल महापुरशां दे आशीर्वादां दे नाल अज गुरु रविदास पब्लिक स्कूल चूड़ोवाली जो जंडू सिंह दे नज़दीक उत्थों ये रवाना होएगी। तो आदमपुर भोगपुर बुल्लोवाल नंदा चौर हुंदी होई अपने हुशियारपुर हुशियारपुर तो गढ़शंकर खुरालगढ़ चरणशो गंगा जिथे महापुरशां ने 11 एकड़ जमीन लैके गुरु पातशाह जी का सदन बेगमपुरा सदन की उसारी करन वास्ते उन्होंने संगतां वास्ते संगत सहूलतां वास्ते ये सारा तैयार किया। तो गुरु रविदास बेगमपुरा सदन रात रुकेगी और चरण नेड़े चरणशो गंगा उस दे नज़दीक यात्रा रोक के 5 तरीक सवेरे 9 तो 10 बजे तक रवाना होएगी। तो आनंदपुर साहब रोपड़ तो मोहाली हुंदी होई यमुना नगर सहारनपुर तो रुड़की जाके मालिक की कृपा दे नाल हरिद्वार जो जटवाड़ा पुल गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर बनाया हुआ मेमोरियल गेट उस स्थान पर सारिया संगतां इशनान करके भगवान बेगमपुरा आश्रम तो 6 तरीक नूं ये पैदल यात्रा हर की पौड़ी तक जाएगी और आरती उपरंत भगवान रविदास आश्रम बेगमपुरा निर्मला छावनी विखे रात के समय समाप्ति होएगी, आरती उपरंत समाप्ति होएगी। तो 7 तरीक खुले पंडालों के गुरु पातशाह जी के अखंड पाठ के भोग पाए जाएंगे और महापुरशों वालों बाद कीर्तन और प्रवचन बाणी सुन वास्ते संगतां दे बहुत बड़ा उपराला किया है। तो सारिया संगतां ने समागम में पहुँचना है। तो 7 तरीक शाम को वापसी होएगी। तो गुरु पातशाह के चरणा च अरदास है, जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम। तो बेगमपुरा शहर को ना गुरु पातशाह जी के उस सोच में लैके आप सारे ने सारिया संगतों को जागृत करना कि महाराज के चरणा ने जोड़ना और इतिहास ना जोड़ना। गुरु पातशाह जी ने जो सानू समझाया जो दस्या है वो अनुसार आप सारे संगतों ने सहयोग के नाल उपदेश लेंदे हुए गुरु पातशाह के चरणा तो आशीर्वादा लेंदे हुए 7 तरीक तो वापसी करनी है। तो सारिया संगतों को बेनती है कि आप जी ने सारिया संगतों को बेनती करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हो के महाराज दी खुशियां प्राप्त करनिया सारे महापुरशों और सारिया संगतों को बेनती है कि इस शोभा यात्रा में शामिल हो के महाराज दी आशीर्वादा प्राप्त करो। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारिया संगतों का और सारा धन्यवाद जो बाबे जोड़े टीवी और होर जितने भी टीवी है जिन्हों द्वारा आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं सारे नूं बेनती है नशा रहित होकर और किसी ने कोई इस तरह का नशा लैके जा मारू हथियार लैके इस विच नहीं शामिल होना। तो जिहड़ा भी चलता है उसनूं मुख रखते हैं जिस तरह वो मर्यादा अनुसार इस विच शामिल होकर महाराज दीआं खुशियां लैनियां और जिथे भी है जिन्ना भी कोई है वो अनुसार आप जी ने सेवा निभाउण दी कोशिश करनी है। तो गुरु पातशाह दी आशीर्वाद प्राप्त करके तो जो महाराज ने सानूं उपदेश देता हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास, बोले सो निहाल साध श्री अकाल।